हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये भी जून 2019 से SIR के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। वन सेकेंड, ये क्वेश्चन है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, डाइनोन का मतलब है डाई इन है, दो डबल बॉन्ड है और एक ओन है, यानी कि कीटोन ग्रुप है। वो किस में चेंज हो जाता है? फिनोल के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये नाम है इस रिएक्शन का, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, नाम आपको पता चल गया तो आगे चलता हूँ। डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, मैकेनिज्म बता देता हूँ क्या है रिएक्शन का। तो सबसे पहले देखो, TFA हमने लिया है, इसका दूसरा नाम ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, कंप्लीट मैकेनिज्म बन जाए। ये हमारे पास डाइनोन है। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे R डैश ग्रुप ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले स्टेप में एसिडिक मीडियम में इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है, OH पॉजिटिव ये बन जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे R डैश ग्रुप है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो R ग्रुप ज़्यादा ईजिली माइग्रेट हो सकता है, ज़्यादा ईजिली माइग्रेट का मतलब क्या है, ग्रुप हैविंग हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ग्रुप हैविंग हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होगा वो माइग्रेट कर जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं, जनरल मैं बता देता हूँ। हाइड्राइड आयन, फिनाइड आयन, फिर टर्शरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन। ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, ये क्या है, और एक फिनाइल ग्रुप है या फिर एस्टर ग्रुप है। तो फिनाइल ग्रुप और होगा, मिथाइल होगा, तो हमें पता है कि भाई कौन, अच्छा प्राइमरी के बाद लास्ट में मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिनाइल माइग्रेट करेगा, यहाँ तो हमें पता चल गया सिंपल, इसका तो आंसर आ गया फिनाइल माइग्रेट करेगा। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये मैं सीरीज मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना कॉपी पे बैक जाके पॉज करके वीडियो, क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो आगे चलते हैं, देखो क्या होगा। ये वाला सपोज करो इसका हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे R ग्रुप बच गया, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, R डैश ग्रुप आ गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे OH बन गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लूज करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ताकि एरोमेटिसिटी को गेन कर सके फिर से। तो देखो ऊपर क्या आ गया, हमारे पास OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आर ग्रुप और यहाँ पे कौन सा ग्रुप, आर डैश ग्रुप। तो जो हमारे पास डाई इनोन था, यानी कि दो डबल बॉन्ड एक कीटोन ग्रुप था, वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया फिनोल के अंदर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। अब ये हाइयर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाले जो ग्रुप है ये मैंने बता ही दिए, हाइड्राइड, फिनाइड, फिर टर्शरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन और उसके बाद लास्ट में मिथाइल ग्रुप। एक और लिख देता हूँ, अगर एस्टर ग्रुप होता है तो वो माइग्रेट करता है इस रिएक्शन में सबसे पहले, ये दूसरे माइग्रेट नहीं करते। ठीक है, तो अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से देखो कौन माइग्रेट करेगा। ये मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे लिख दिया, तो देखो सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा, यहाँ पे अगर आर ग्रुप फिनाइल है तो मिथाइल माइग्रेट करेगा या फिनाइल माइग्रेट करेगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा ऑब्वियसली। तो देखो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से फिनोल बन जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, फिनाइल, क्योंकि जब R pH है तो फिनाइल माइग्रेट करेगा, क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा मिथाइल से। सिमिलर मैनर में यहाँ पे OH बन जाएगा, अगर हमारे पास एस्टर ग्रुप है तो पहले कौन माइग्रेट करेगा, एस्टर माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2SPT। तो ये क्वेश्चन था, ये क्लेडन में भी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल दिया गया, उसमें थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया कि एस्टर ग्रुप क्यों माइग्रेट करता है। ये जो लास्ट में मैंने एस्टर ग्रुप लिखा है शुरू में, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एस्टर माइग्रेट नहीं करता, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कंडीशन बची थी, इस तरह से कंडीशन बची थी हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अगर सपोज करो यहाँ पे एस्टर माइग्रेट नहीं करता, यहाँ पे एस्टर रह जाता और मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया था, फिर ये बन गया था हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एस्टर ग्रुप लगा है, इस वजह से ये कार्बोकेटायन स्टेबल बन जाता है। तो ये हमें नहीं बनाना,
हमें कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन बनाना होता है जिसमें कौन माइग्रेट करता है, हाँ जी जिसके अंदर माइग्रेट करता है एस्टर ग्रुप। तो ये जो कार्बोकेटायन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि इस कार्बोकेटायन के, तो हम ये वाला कार्बोकेटायन बनाएंगे ये नहीं बनाएंगे। तो ये रीज़न दिया गया क्लेडन में कि एस्टर क्यों माइग्रेट करता है, नहीं तो जो नॉर्मल माइग्रेटिंग एक्टीट्यूड है बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पाया गया कि ये होता है नॉर्मली, ठीक है। काफ़ी सारे टीचर्स इसको स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो ग्रुप माइग्रेट करता है पहले जिसका साइज बड़ा होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो ना फिर जो हाइड्रोजन हो जाता है इसका तो साइज बहुत छोटा होता है लेकिन हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं देखनी, एक्सप्लेनेशन टीचर कैसे भी देख सकता है वो एक्सप्लेनेशन परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा गया कि ये ग्रुप्स का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है, अगर ये सारे एक साथ भी होते तो इनमें से पहले कौन माइग्रेट करता है, ये वाला, फिर हाइड्रोजन और फिर इस तरह से माइग्रेट करते, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक का कोई बात नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का सीरीज याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।